सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई एम होस्ट ऑफ दिस चैनल। और गाइज, आज की गाइज इस वीडियो में हम करने वाले हैं बॉटनी का, ये लेक्चर नंबर 3 होने वाला है, जिसमें हम कवर कर रहे हैं ये वाला चैप्टर जिसका नाम है द सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो आज मैं आपको इससे आगे के टॉपिक्स को बताऊंगा। ठीक है, जो एनसीईआरटी का, बस पूरा एनसीईआरटी पढ़ते जाएँ भाई, ये बहुत है नीट के लिए। ठीक है, तो चलिए, कौन कौन से टॉपिक आज मैं बताने वाला हूँ। सेल एनवलप और इट्स मॉडिफिकेशन, जिसमें सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और ग्लाइकोकैलिक्स, ये नया चीज़ है, ये आप पढ़ोगे। ठीक है, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन तो 9 से ही पढ़ते हुए आ रहे हो। फिर साइंटिस्ट ग्राम विज ने कोई एक्सपेरिमेंट किया था बैक्टीरिया के ऊपर, तो उससे दो ग्रुप डिवाइड होते हैं बैक्टीरिया के, जिसका ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे एक तो। और क्रोमेटोफोर के बारे में, और पिलाई और फिम्ब्रे, ये आता है एग्जाम्स में। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन, डिफ्रेंशिएट बिटवीन पिलाई और फिम्ब्रे, तो इसके बारे में मैं आपको ट्यूबुलर फॉर्म में बताने वाला हूँ। नेक्स्ट फ्लैजिला लास्ट टॉपिक होने वाला है, तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो। ठीक है, सेल एनवलप, ठीक है, सेल एनवलप कुछ भी नहीं है गाइस, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल और ग्लाइकोकैलिक्स को मिला के सेल एनवलप कहा जाता है। मतलब कि ये 3 लेयर्स होते हैं जो एक साथ प्रोटेक्शन का काम करते हैं सेल को। ठीक है, डायग्राम में आप देख सकते हो, यही है सेल एनवलप, देखो इन तीनों लेयर को मिला के। तो चलिए, इसमें कुछ ज़्यादा समझने का बात है नहीं, ग्लाइकोकैलिक्स पढ़ते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है, ये बनता है पॉलीसेकेराइड से, और इसका काम होता है, ये स्टिकी कैरेक्टर प्रोवाइड करता है बैक्टीरिया को। और जो और यहाँ पे एक चीज़ और है, कैप्सूल और स्लाइम लेयर, कैप्सूल और स्लाइम लेयर यही है ग्लाइकोकैलिक्स का ही पार्ट है, जो अक्कर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ 2 कैप्सूल और स्लाइम लेयर। अब ये जो कैप्सूल और स्लाइम लेयर है, ये पाए जाते हैं आउटर मोस्ट होते हैं बैक्टीरिया के, जो प्रोवाइड करते हैं प्रोटेक्शन। और ये किसके ऊपर होते हैं, सेल वॉल के ऊपर होता है। ठीक है, अब सबसे पहले इनके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। जो कैप्सूल होता है, ये बहुत हार्ड होता है, टफ होता है और बहुत मोटा होता है लेयर, जो कवर करता है आउटर लेयर ऑफ द सेल वॉल, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द सेल वॉल को ये क्या करता है, कवर करता है। और सबसे इसकी मेन चीज़ यही है कि ये बैक्टीरिया को इम्यून सिस्टम से बचाता है कैप्सूल। ठीक है, अगर जैसे कि बैक्टीरिया है वो किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर चला गया, तो वो जो उस ऑर्गेनिज्म का जो इम्यून सिस्टम है, वो इस बैक्टीरिया को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, पता नहीं कर पाएगा कि इसके अंदर सच में बैक्टीरिया गया भी क्या नहीं। इसलिए ये जो कैप्सूल है, ये बचाता है बैक्टीरिया को फ्रॉम होस्ट इम्यून सिस्टम। अब स्लाइम लेयर क्या है, स्लाइम लेयर लूज और थिन लेयर होता है, जो कवर करता है आउटर लेयर ऑफ द सेल वॉल। सेल वॉल, अब सेल वॉल पढ़ते हैं, सेल वॉल किससे बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकन से बनाता है, जो अमीनो एसिड और शुगर से बनता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, कंपोजिशन, फंक्शंस और नेचर। ठीक है, बस ये 3 चीज़ याद रखना है आपको। तो फंक्शंस की बात करें सेल वॉल की, तो प्रोवाइड शेप टू दी सेल, तो ये आकार प्रदान करता है सेल को। और ये कोलैप्स करने से बचाता है, कोलैप्स और बर्स्टिंग ऑफ सेल, मतलब कि अगर सेल को कोई इंजरी हुई तो उससे ये बचाता है। और अगर दो सेल अगर आपस में आ रहे हो, तो उनसे कोलैप्स से बचाता है उन्हें, कोलैप्स मतलब कि टकराने से। ऑन द बेसिस ऑफ सेल एनवलप और कंपोजिशन, स्टेनिंग मेथड डेवलप बाय ग्राम विज, साइंटिस्ट है एक, तो इन्होंने 2 ग्रुप में डिवाइड किया बैक्टीरिया को, मैंने आपको बताया था, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव। तो हुआ क्या था, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था ग्राम विज नाम के साइंटिस्ट ने, इन्होंने माइक्रोस्कोप में जो ग्लास स्लाइड पे एक बैक्टीरिया लिया था, बहुत सारे बैक्टीरिया लिए थे। ठीक है, और उन्होंने क्या करा, उन बैक्टीरिया के ऊपर क्रिस्टल वायलेट नाम का एक डाई है, उसको छिड़क दिया। ठीक है, और फिर बाद में अल्कोहल से इन्होंने नहला दिया। ठीक है, तो अल्कोहल से नहलाने के बाद जो बैक्टीरिया क्रिस्टल वायलेट, जो वायलेट या पर्पल कलर का होता है, जो बैक्टीरिया वायलेट या पर्पल कलर अपने पास रखे रहे, तो उन्हें ग्राम पॉजिटिव कहा गया। और अल्कोहल के नहाने की वजह से जो बैक्टीरिया जो पर्पल कलर है वो मिट गया उन बैक्टीरिया के ऊपर से, तो उन्हें ग्राम नेगेटिव कहते हैं। तो यही है खाली, इसमें ज़्यादा डिटेल में है नहीं, तो बस आप यही याद रखना जो मैंने लिखा है इसमें, और कुछ नहीं। आगे सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन बना होता है लिपिड और प्रोटीन से। ठीक है, और फंक्शन इसका होता है ट्रांसपोर्टेशन, खाली करना, और हमने 9th क्लास में भी पढ़ा था कि इसका नेचर सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। आगे ये तो कुछ नहीं है, ये तो आपको पता ही होगा, ऑलमोस्ट सिमिलर इन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। क्रोमेटोफोर, क्रोमेटोफोर ये होता है, आप डायग्राम में देख रहे होंगे। ठीक है, तो एक्सटेंशन होता है सेल मेम्ब्रेन का, ये भी बैक्टीरिया के अंदर, तो उसे क्रोमेटोफोर कहते हैं। अब जो क्रोमेटोफोर होता है, इसके अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है, जो बहुत ही ज़्यादा काम आता है बैक्टीरिया के। अगर बैक्टीरिया जब फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा, तो ये पिगमेंट उस समय बहुत काम आता है बैक्टीरिया के लिए। और ये प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में,
और कुछ नहीं। और हाँ, एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, इसमें लिखा नहीं है, जो क्रोमेटोफोर होता है वो केवल केवल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में ही पाया जाता है, ठीक है। जैसे साइनो बैक्टीरिया हो गया, साइनो बैक्टीरिया करता है फोटोसिंथेसिस, उसके पास केमिकल्स होते हैं, तो वही इसी के पिगमेंट के हेल्प से वो फोटोसिंथेसिस कर पाता है। नेक्स्ट पिलाई और फिब्रे पढ़ते आइए। तो सबसे पहले डायग्राम देख लो, डायग्राम देख लिया तब तो गाइस आपको समझ में आ गया। जो आपको दिख रहे हैं सरफेस एक्सटेंशन, जो बड़े बड़े सरफेस एक्सटेंशन हैं उन्हें हम कह गए हैं पिलाई, ठीक है। और जो छोटे छोटे सरफेस एक्सटेंशन हैं उन्हें हम कहते हैं फिम्ब्रई, ठीक है। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है, जो पिलाई होता है वो बहुत लॉन्ग होता है, बड़ा होता है, लंबा होता है, ठीक है। और फिम्ब्रे छोटे होते हैं, छोटे छोटे, जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं। शेप की बात करें तो ये इलॉन्गेटेड और ट्यूबुलर होते हैं, और फिब्रे में ब्रिस्टल लाइक फाइबर स्प्राउटिंग आउट ऑफ द सेल होते हैं। मतलब कि ब्रश 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 आप जब रगड़ते हो दांत में ब्रश, तो जो पतले पतले से छोटे छोटे जो होते हैं, जिसे हम रेशमे कहते हैं, तो वो क्या है कि उसे हम ब्रिस्टल कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो वही उसी के जैसे एकदम सिमिलर ब्रश के जैसे ये इनके जो बाल होते हैं बैक्टीरिया के अंदर, बैक्टीरिया के बाहर सॉरी, तो उसी के शेप के जैसे ये दिखते हैं फिम्ब्रे। फिर नंबर्स की बात करें तो फिम्ब्रे up to 300 होते हैं, ज़्यादा होते हैं, और पिलाई 1 से 60 होते हैं। फंक्शन की बात करें तो फिम्ब्रे जो है ये हेल्प करता है बैक्टीरिया को अटैच विथ सबस्ट्रेट, मतलब कि बैक्टीरिया को अगर किसी चीज़ से जुड़ना है, ठीक है, जैसे पत्थर हो गया या होस्ट में जाना है, तो उसमें ये क्या करता है, फिम्ब्रे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, अटैच में बैक्टीरिया को दूसरे थिंग से अगर अटैच करना हो तो, ठीक है। और पिलाई पिलाई में फंक्शन होता है हेल्प इन बिल्ड कंजुगेशन ट्यूब, ठीक है, इसके आगे मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। कंजुगेशन ट्यूब क्या होता है, पहले आप देख लो इंपॉर्टेंट लाइन जो एनसीईआरटी में लिखी है कि जो पिलाई और फिम्ब्रे जो होता है वो कभी भी लोकोमोशन में हेल्प नहीं करते, ठीक है। मतलब कि बैक्टीरिया चलेगा नहीं फिम्ब्रे और पिलाई पिलाई की वजह से, ठीक है। ये बस सरफेस एक्सटेंशन है ओनली, और इनका भी एक फंक्शन होता है जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो जो बैक्टीरिया है वो किससे चलता है, फिर बात ये आ गई, तो बैक्टीरिया चलता है फ्लैजिला से, ठीक है। फ्लैजिला होता है सेल वॉल का एक्सटेंशन, जैसे आप देख रहे हो ये, ठीक है। ये जो है ये डायग्राम, ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं, तो ये सेल वॉल एक्सटेंशन होता है फ्लैजिला, और इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं फ्लैजिला के, जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, अगर फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, ठीक है, बैक्टीरिया के अंडर, तो सबसे पहले बेसिक सी चीज़ें मूव मूव कर पाएगा बैक्टीरिया, और वो मोटाइल भी होगा। और अगर फ्लैजिला एब्सेंट हुआ बैक्टीरिया के अंदर, तो वो मूवमेंट नहीं कर पाएगा और वो नॉन मोटाइल होगा। फिर प्रोटीन की बात करें तो फ्लैजिला में प्रोटीन, अगर बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक हुआ तो उसके अंदर फ्लैजिला जो होगा उसमें प्रोटीन होगा फ्लैजिलिन नाम का प्रोटीन, और वही अगर यूकैरियोटिक बैक्टीरिया हुआ तो उसके अंदर प्रोटीन होगा फ्लैजिला के अंदर ट्यूबुलिन, ठीक है। तो ये 1 मार्क्स में आ सकता है, तो आपको ये सब याद रखना होगा गाइज। अब फिलामेंट सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है फ्लैजिला का, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये फिलामेंट है, तो ये हुआ हमारा फ्लैजिला। फ्लैजिला का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है फिलामेंट। फिर इसके बाद हुक, हुक क्या है, हुक ये देखो आप, ये रहा हुक। तो हुक क्या करता है, ये फिलामेंट को और बेसल बॉडी जो नीचे होती है उसको वो जोड़े रखता है, देखो ये रहा, ये होता है हुक, और नीचे जो है ये है बेसल बॉडी, ठीक है। तो ये क्या करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है फ्लैजिला, तो ये जोड़ के रखता है हुक फ्लैजिला, सॉरी फ्लैजिला नहीं, फिलामेंट और बेसल बॉडी को। आगे अब मैं आपको कॉन्जुगेशन ट्यूब बता देता हूँ क्या है, ठीक है। वैसे आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन मैं आपको हल्का सा इसके बारे में बता देता हूँ कि कॉन्जुगेशन ट्यूब होता क्या है। अगर जैसे मानो 2 बैक्टीरिया है, अब उन दोनों बैक्टीरिया को ना जुड़ना है आपस में, ठीक है, डीएनए ट्रांसफ़र करना है, तो क्या होता है, उनके बीच एक कॉन्जुगेशन ट्यूब होता है, जिस ट्यूब के अंदर ही अंदर डीएनए ट्रांसफ़र होता है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया से, ठीक है। तो यही मैं बताना था, ठीक है। इतना लिखा है नहीं जैसे एनसीईआरटी में, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा सा बता देता हूँ कॉन्जुगेशन ट्यूब क्या होता है, ताकि आप इसका पिलाई का जो फंक्शन है वो समझ पाओ कि पिलाई क्या होता है, ठीक है। तो कॉन्जुगेशन ट्यूब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इतना ही था हमारे आज के इस लेक्चर में, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और जितना भी मैंने पढ़ाया गाइज उसको रिमाइंड करना, बैकलॉग्स मत बनाए रखना, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम इसके आगे के बारे में जानेंगे, ठीक है। और अगला वीडियो गाइज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसमें हम सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे, सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में, ठीक है। तो चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर से जय हिंद जय भारत।